आज से ठीक 2 साल पहले बॉलीवुड के सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत के मौत की जो खबर सामने आई उसके बाद पूरा देश हिल गया था। बता दें आपको कि सुशांत सिंह राजपूत की जब जान गई उसके बाद देश के अंदर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से उनकी मौत हुई थी उसमें कई जो सवाल थे वो खड़े हुए थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को भले ही आत्महत्या कहा गया लेकिन उनके जान जाने को लेकर सीबीआई की जांच भी बैठाई गई। इस दौरान कई लोग ऐसे पकड़े गए जिन पर कई जो सवाल थे वो खड़े हुए थे। रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत के बेहद करीबी मानी जाती थी उन्हें भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद इस पूरे मामले में जब सीबीआई ने जाँच शुरू किया तो कई ऐसे लोग पकड़े गए जिनका लेना देना ड्रग्स रैकेट वालों से था। बहरहाल सुशांत सिंह राजपूत की आज पुण्यतिथि है। 2 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत की जान गई। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए देश में जिस तरीके से आवाज़ बुलंद हुई वो आवाज़ भले ही शांत हुई लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला। सुशांत सिंह राजपूत के पुण्यतिथि पर कैंडल मार्च लोग निकालेंगे, सुशांत सिंह राजपूत के पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए पूरे बिहार ने पूरे देश ने मांग की थी कि सीबीआई की जांच हो और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। वो जांच भी कहीं ना कहीं धीमी नज़र आ रही है। आज 2 साल बाद भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई इसका सच सामने नहीं आ पाया और ना ही परिवार के लोगों को अब तक न्याय मिला है। बता दें सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई उसमें कहा गया कि उन्होंने सुसाइड किया, पंखे से लटक कर उन्होंने अपनी जान दी, लेकिन कई जो सवाल हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही चला गया कि आखिर इतने बड़े सुपरस्टार की जान कैसे गई। सवाल ये भी था कि अपने स्टारडम के सबसे बुलंदियों पर खड़े सुशांत ने आखिर आत्महत्या क्यों की। सुशांत आखिर किस चीज़ से परेशान थे, किस चीज़ से मर्माहत थे जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ली। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जहां पूरे मामले की छानबीन सीबीआई कर रही है ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहां अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।